जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही देखा। क्यों करनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग और ये होता क्या है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आपका कोई फाइनेंशियल गोल है तो उसको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करके अचीव किया जा सकता है, वीडियो में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें। वेलकम माई चैनल स्मार्ट इन्वेस्ट, पाथ ऑफ वेल्थ क्रिएशन। हाँ दोस्तों, हम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल का मेन उद्देश्य है जो टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को देते रहें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड अपडेट्स अगर आते हैं तो आपके पास पहले पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों, जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो तब तो इनकम और एक्सपेंडिचर आना ही चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं इनकम कितने तरीके से होते हैं। तो जनरली इनकम एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम है। तो एक्टिव इनकम हम उसी को बोलते हैं जो हम जनरली जो काम करके हमारे जो इनकम हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम सैलरी, टिप्स, बिजनेस, वेजेस, कमीशन, इस तरीके से हम इसके द्वारा जो हमें इनकम होते हैं यही इनकम को हम एक्टिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम यही है जो रेंटल प्रॉपर्टी, लिमिटेड पार्टनरशिप, रॉयल्टीज, यानी कि जो जिसके लिए हमें डायरेक्ट कुछ काम करना नहीं पड़ता है और अब हमारे एक इनकम जनरेट होते रहता है। यानी कि कोई आपका पास प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे दे दिए, तो उनको एक बार ही प्रॉपर्टी खरीद लिया और आपने उसको लाइफ टाइम, अगर जब तक आपने उसको रेंट में दे के रखे हैं तो तब तक आपका इनकम आते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आपका वो पैसिव इनकम में काउंट हो जाता है। और पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है? जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई इक्विटीज़ में है, म्यूचुअल फंड में है, वहीं से आपको डिविडेंड मिल रहा है या तो उसके जो प्रॉफिट मिल रहा है, और कोई आपका सेविंग्स है तो इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई आपने प्रॉपर्टी बेचा तो उसके जो कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मिला है, इस तरीके से जो इनकम है पोर्टफोलियो इनकम हम बोलते हैं। तो यानी कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम, ये तीनों तरीके से इनकम है। अब बारी आते हैं दोस्तों पर्सनल एक्सपेंसेस की। अभी पर्सनल एक्सपेंसेस हमारे पास दो तरीके से हम एक्सपेंसेस करते हैं, एक नीड्स एक वांट्स। यानी कि जो आपका नीड्स है, जो आपके इसके ऊपर आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के मेडिकल एक्सपेंसेस, हाउस रेंट, एजुकेशन फीस, ये आपको देना ही देना है, इसके साथ कोई आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप चाहते हैं जिस एक्सपेंसेस को आप कम करें तो आप कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका जो मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो मेडिकल एक्सपेंसेस करना ही पड़ेगा। जो एजुकेशन फीस है बच्चे का, एजुकेशन फीस अभी एजुकेशन के इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, डेली के डेली महंगाई बढ़ रहा है एजुकेशन सेक्टर पे। तो ये आपका एजुकेशन फीस तो आपको देनी है। अभी और कोई रेंट पे रहते हैं तो उसको हाउस रेंट वगैरह, इस तरीके से जो डेली बेसिस जो नीड्स टाइप का जो एक्सपेंसेस है इसको आप कंट्रोल जनरली बहुत ही कम आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो वांट्स है, जैसे कि वांट्स के हिसाब से हमें मॉडर्न कार लेना है, बिग हाउस, कॉस्टली मोबाइल। कोई कोई बंदा ऐसा भी करते हैं जो आज मैंने एक मोबाइल अभी ख़रीदा तो 6 महीने के बाद जैसे ही उसका नया वर्सन, कुछ नया अपडेट्स या और कुछ आ जाते हैं तो तुरंत उसको चेंज करके कोई नया ले लेते हैं। कार का भी बहुत सारे ऐसे कार को चेंज कर लेते हैं, कोई नया मॉडल आते हैं, घर का भी सेम कंडीशन है। तो ये वांट्स है, ये नहीं होने से भी चल सकता है, क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे को इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो बेमतलब की वो एक्सपेंसेस करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं लगता, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका शौक हो सकते हैं, ठीक है, बट इस तरीके से मतलब एक्सपेंसेस करना ये फाइनेंस के हिसाब से गलत है। हमें पता होना चाहिए अर्निंग मनी इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, रादर मैनेजिंग मनी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि दोस्तों, आप कितने कमा रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उस कमाई को कैसे मैनेज कर रहे हो। यानी कि आपका जो कमाई को आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है ये जो सेंटेंस है, जब मनी स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, इफ़ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। यानी कि अगर आप पैसे को आज सेव करते हो तो पैसे आपको कल जाके सेव करेंगे, ये बिल्कुल सही है। अगर आप आज ही से आपको आप सेविंग शुरू कर देते हो या इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो दोस्तों कल आपको यही मनी आपको देखेंगे
दोस्तों अभी हम बात करेंगे जब फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ज़रूरत है। वाई फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत इसीलिए है, हमें सभी को पता है जब हम एक दिन रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि हमारे काम करने के जो एफिशिएंसी है ये बिल्कुल कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उस दिन हम कमा नहीं सकते। तो अभी से जो हमारा जो कमाई है या तो हमारा जो अभी का लाइफ स्टाइल है ये इस तरीके से आफ्टर रिटायरमेंट भी चलना चाहिए, इसी के लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरत है। और अगर किसी फैमिली का अर्निंग मेम्बर का डेथ हो जाता है तो उस फैमिली किस तरीके से चलेंगे, उस फैमिली का क्या हाल होगा, जो फाइनेंशियल गोल का उसका जो बच्चे का जो फाइनेंशियल जो हर गोल है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे जो फाइनेंस अर्निंग मेंबर का डेथ हो जाने पे। और सेकेंडली आपका एक कॉर्पस इकट्ठा करना है, आपका चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन की जो एजुकेशन है, मैरिज है, इस गोल को आपको पूरा करने के लिए, तो इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। और एक सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेडिकल इमरजेंसी। अगर मेडिकल इमरजेंसी किसी के घर में किसी के साथ अगर होता है तो उसके पास क्या इतना कॉर्पस है जो यूज एक्सपेंसेस जो होते हैं वो एक्सपेंसेस को झेलने का। अगर इस एक्सपेंसेस को वो सह सकते हैं तो उसके लिए अभी से उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यहीं पे थोड़ा सोचना ज़रूरी है, जस्ट थिंक एंड थिंक अगेन एंड अगेन। वाई फैमिलीज फेल फाइनेंशियली? नो डिफाइंड गोल्स, इनका कोई गोल डिफाइंड नहीं होते, ठीक है ना। डिले इन प्लानिंग एंड सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि डिले करते हैं जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बोलते हैं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, यानी कि वो सोचते हैं 45, 50, 55 में जाके जब मेरे तो अभी रिटायरमेंट होने का टाइम आ रहा है, मैं कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर लूँ, जबकि उनके पास बहुत ही कम टाइम रह जाता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, उन्होंने एजुकेटेड तो बहुत होता है बट फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं होते। बाइंग रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नॉन फाइनेंशियली प्लानर और एडवाइज़र, वो किसी के भी बात सुन के कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेता है, यानी कि ज़्यादातर कोई चिट फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जो बाद में जाके उनको बहुत ही प्रॉब्लम आता है। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, अगर आप किसी चीज़ के लिए आज की डेट पे प्लान नहीं कर रहे तो आपका फेल होने का प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इतना सारा काम, काफी टाइम लग जाएगा इस सिचुएशन में। ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म है क्या जहाँ पे मेरा सारा काम एक ही जगह हो जाए? जी है ना, ई स्मार्ट इन्वेस्ट, जहाँ आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, बिजनेस अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके साथ साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, ऑटो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग और इसके अलावा म्यूचुअल फंड, डेट, इक्विटी, ईएलएसएस, इंश्योरेंस, लाइफ, हेल्थ इन जनरल, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कंपनी एफडी, बॉन्ड्स, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स, डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग, पीएमएस इक्विटी, ई स्मार्ट इन्वेस्ट। आज ही संपर्क कीजिए और अपना समय, पैसा और स्वास्थ्य बचाए। जी बिल्कुल, मैं आज ही स्मार्ट इन्वेस्ट का संपर्क करता हूँ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9077123060 अथवा व्हाट्सएप करें 9485132399 अथवा ईमेल करें om.esmartinvest@gmail.com पर या फिर हमारी वेबसाइट esmartinvest.com पर मुलाकात लीजिए। दोस्तों तो फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से होना चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको संपूर्ण सुरक्षा पहले होना चाहिए, यानी कि इंश्योरेंस। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, पर्सनल एक्सीडेंट और होम इंश्योरेंस, ये क्यों होना चाहिए मैं आपको पूरी बात अभी समझाता हूँ। क्योंकि ये इंश्योरेंस हम पहले ही बात किए थे जो हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, उनमें से हमारा एक पॉइंट था, अगर कोई अर्निंग मेंबर फैमिली का अचानक डेथ हो जाते या उसके साथ कुछ हैपनिंग हो जाते जो काम करने का लायक ना रहे तो उस समय ये इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस तो फिजिकल उस इंसान का जो कमी है वो तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उस फैमिली का फाइनेंशियली जो लॉस है उस लॉस को पूरा जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए।
और मान लीजिए उसी फैमिली का किसी भी व्यक्ति अगर कोई इमरजेंसी आता है, मान जैसे कि उसको कई मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत हो, मेडिकल का जो है, तो ये मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से वो मेडिकल एक्सपेंसेस को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, यानी कि उसको फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और पर्सनल एक्सीडेंट, पी एक्सीडेंट क्या होता है, बंदे का एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने डेथ नहीं हुआ, चलिए लाइफ इंश्योरेंस तो है उसके पास, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, चलिए हेल्थ इंश्योरेंस में ट्रीटमेंट हो गया। मान लीजिए किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ है लेकिन उनका डेथ नहीं हुआ, अगर डेथ नहीं होगा तो लाइफ इंश्योरेंस तो पैसा देगा नहीं, तो पीए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देगा उसको। पर्सनल एक्सीडेंट जो इंश्योरेंस है, इस तरीके से इंश्योरेंस आपको एक मंथली इनकम प्रोवाइड करेंगे। और होम इंश्योरेंस यानी कि आपका जो सुंदर घर है, सपने का घर है, इसको इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि कहीं अचानक चोरी हो जाए या आग लग जाए या इस तरीके से कोई भी दुर्घटना अगर आपके घर में हो तो उस लॉस को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आगे जाके जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेंगे, जो आपका सेविंग्स रहेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो संपूर्ण सुरक्षा है, ये अगर उस फैमिली का कोई किसी बंदे का डेथ हो जाता है, जो अर्निंग मेंबर खास करके डेथ होते हैं, या किसी मेंबर का अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए, और पर्सनल एक्सीडेंट अगर कोई अचानक दुर्घटना घट जाती है तो, और घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि जो चोरी या आग लग जाती है, इस तरीके से कोई घटना होते हैं तो इसको पूरी तरीके से वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेकंड ये आ जाता है कॉन्टेंजेंसी फंड। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेंजेंसी फंड है। अभी ये कोरोना सिचुएशन में हमने इस फंड क्या होता है सबने सीख गया है, क्योंकि जिस कोई मैक्सिमम लोगों का 6 6 महीना 7 7 महीना तो कोई जॉब नहीं था, कोई इनकम नहीं था, अगर उसका अगर इमरजेंसी अगर नहीं वो उन्होंने कॉन्टेंजेंसी फंड का कोई नहीं बना के रखा है तो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट उठा उठा के खाया होगा, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। तो आपका कंटेंजेंसी फंड रहना बहुत जरूरी, जैसे इंश्योरेंस रहना बहुत जरूरी है, फिर सेकंड में आता है कंटेंजेंसी फंड। एक कैसे कितना होना चाहिए आपका मंथली जो एक्सपेंसेस है, x6 होना चाहिए, 6 महीने के लिए होना चाहिए, यानी कि अगर 30,000 आपका मंथली एक्सपेंसेस है तो 6 महीना 6 x 6 यानी कि 1,80,000 आपको कॉन्टेंजेंसी फंड होना चाहिए। मतलब इमरजेंसी में कभी भी 24 आवर्स के अंदर ये निकालना चाहिए, ऐसे जगह पे ऐसे स्टूल पे रखना चाहिए। थर्ड पोजीशन आता है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होना चाहिए, डेट और इक्विटीज होना चाहिए। यानी कि डेट में क्यों होना चाहिए, जैसे PPF, MIS, FD, बॉन्ड, ये कुछ परसेंटेज ये होना चाहिए, और इक्विटीज में होना चाहिए, स्टॉक, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। ये आपका डेट में प्रोटेक्ट करेंगे, इक्विटी आपका वेल्थ क्रिएशन करेंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाएंगे, जो कितने परसेंटेज आपका डेट कैटेगरी में होना चाहिए और इक्विटी में कितना होना चाहिए, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए, अभी कौन सी फंड भी लेना है, हमसे बेसिक नॉलेज दे रहा है इस वीडियो में, ठीक है ना। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करना है तो किस तरीके से करना है। जनता सोचता है इनकम हम करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है भाई और क्या जरूरत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो बहुत बाद में आता है, उससे पहले इंश्योरेंस में फुल प्रोटेक्ट होना चाहिए, फिर कॉन्टेंजेंसी फंड आना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो दोनों चीज़ तो होना ही चाहिए। रूल्स टू कीप इन माइंड, दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट ये है, जो नॉट मोर देन 50% ऑफ ग्रॉस सैलरी शुड बी योर टोटल EMI, यानी कि अगर आप कुछ लोन लेते हैं उसका EMI कॉस्ट आपका ग्रॉस सैलरी से 50% से कम ही होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है, जो यू शुड हैव एटलीस्ट 25% सेविंग ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, यानी कि ग्रॉस सैलरी का 25% आपका सेविंग होना ही चाहिए। और 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी शुड बी रिजर्व फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी कि आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपका टोटल ग्रॉस सैलरी से 10% आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेव करना चाहिए। और 8 से 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी शुड गो इनटू ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर, जो हमने संपूर्ण सुरक्षा में देखे थे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका PA एक्सीडेंटल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और आपका जो होम इंश्योरेंस, ये पूरे कॉस्ट आपका 8 से 10% आपका ग्रॉस सैलरी का होना चाहिए। और भी एक देखा था हमने, कुछ पोर्शन आपका डेट पे, कुछ पर्सन इक्विटी में, सेविंग में आपका होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। तो कितना इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, आपका इक्विटी पोर्शन कितना होना चाहिए, आपका 100 माइनस आपका एज, यानी कि अगर आप 40 के हैं तो 100 माइनस 40 यानी कि 60% आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए इक्विटी के अंदर। अगर आप इक्विटी में आपको 60% और डेट में 40% होना चाहिए।
और एक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नॉट मोर देन 30% ऑफ नेट वर्थ आपके, यानी कि नेट वर्थ का जो उसका है रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए 30% से ज़्यादा, क्योंकि आपका पूरे इन्वेस्टमेंट आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, यानी कि जो आपका एसेट एलोकेशन होना चाहिए कुछ रियल स्टेट है, कुछ गोल्ड में होना चाहिए, कोई इक्विटीज़ में होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका डेट में होना चाहिए, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी हम इस वीडियो के पूरे समरी देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट ये है जो कवर योर रिस्क फास्ट, यानी कि आपको इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट सेविंग अर्ली। आपका एज जितना अर्ली आप सेव करेंगे तो आप उतने कंपाउंडिंग का मजे ले सकते हैं, और इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास, यानी कि कौन सी एसेट क्लास पे आपको इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ये आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्ट बाय कीपिंग गोल्स इन माइंड, आपको कौन सी गोल के लिए होना चाहिए, यानी कि आपको अगर रिटायरमेंट करना गोल के लिए आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है तो इसके लिए टाइम है ना, आपको बहुत टाइम है, तो वो टाइम के बाद ही उसको इन्वेस्टमेंट को हाथ लगाए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है जो इक्विटी इज़ ए लॉन्ग टर्म एसेट क्लास, अगर इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म बेस के लिए कीजिए, और गिव इम्पोर्टेंस टू योर एसेट एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका सही एसेट एलोकेशन होना चाहिए और पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होना चाहिए, यानी कि अगर मार्केट के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो या आपका कंडीशन के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो में रिबैलेंसिंग करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे लास्ट पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है जो डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर से ही आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करवाइए। और आपको अगर खुद का नॉलेज नहीं है तो अभी तो इस वीडियो के दौरान आपको काफ़ी नॉलेज हो गया है किस तरीके से करना चाहिए, और कोई भी आपको इसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट्स जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, तो आपको फ्रेंड्स को भी इसको पता लग जाएगा जब फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है, किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।